हाय गाइस, वेलकम टू डीवी स्पॉटलाइट। मैंने सोचा कि आज मैं जिनसे मिलने जा रही हूँ और जिनसे आपको मिलवाने जा रही हूँ, उनसे मिलने से पहले आपसे और अपने आप से कुछ सवाल पूछ लेती हूँ। जब मैं और आप 17 और 18 साल की उम्र में स्कूल में थे और कॉलेज में थे, क्या करते थे? चिल मारते थे। बट अगर आप यही सवाल इनसे पूछेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे इनका जवाब सुनकर, क्योंकि इन्होंने अपने टीनेज ईयर्स में वो कर दिखाया है जो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। 17 साल की उम्र में रितेश अग्रवाल ने हिंदुस्तान में एक ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसे किसी ने आज तक ना सुना था और ना जाना। By launching Oravel Private Limited in 2012, Ritesh wanted to standardize hotel rooms across the country, and he did exactly that with his brand Oyo. Several rounds of funding ke baad, latest being $100 million by SoftBank, aaj Oyo desh ki 170 se bhi zyada cities mein maujood hai, and it has branded over 65,000 rooms. The budget hotel aggregator is unsurprisingly one of the hottest startups in India, and very soon it is going to find its name in the list of Indian unicorns. आइए आपको मिलवाते हैं रितेश अग्रवाल से, who feels quite like home in his office, जिन्हें बिना शूज के काम करने में ज्यादा कंफर्ट महसूस होता है। So is he really that grounded? Well, let's find out. जब लड़के आपकी एज में राइट नाउ कॉलेज से बंक कर रहे होंगे और आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं बैठकर, तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडियन पेरेंट्स एंड टीनेजर्स, आई वुड वांट टू आस्क यू दिस, ये आपने ओयो कैसे कर डाला? तो मुझे कभी भी कॉलेज बंक करना बहुत एक्साइटिंग होता होगा, हाँ, बट मुझे कभी उसमें बहुत एक्साइटमेंट खुद को नहीं नजर आया। मुझे लगता था कि अगर मैं हर रोज जो भी कर रहा हूँ, अगर उससे मुझे खुशी मिलती है, मैं वो करना चाहूंगा इंस्टेड ऑफ जो बाकी लोग कर रहे हैं। हाँ। तो मुझे खुशी इससे मिलती थी कि अगर मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ करूँ जिससे कि आसपास के लोगों में इम्पैक्ट हो। बट डोंट यू थिंक दैट आप कॉलेज गए नहीं, तो आपको लगता नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में फीलिंग क्या है कि बंक करने से में ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, बट मुझे लगता है कि हालांकि हो सकता है कंपैरेटिवली बंक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा हो, बट मुझे एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा लगती है कि कंटेनमेंट यानी कि सेटिस्फैक्शन मेरे लिए एटलीस्ट बहुत आसानी से आ जाती है। मैं बहुत जल्दी सेटिस्फाई हो जाता हूँ इन मल्टीपल टाइम्स। तो अगर मेरे को कंटेनमेंट है कि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं होती कि मैं दूसरी जगह जाके कोशिश करूँ कि क्या खुशी होती है। हालांकि जब थियल फेलोशिप हुआ था, उसके बाद 1.5 महीने मुझे स्टैनफोर्ड में रहने का मौका मिला था मेरे दोस्तों के साथ। उन 1.5 महीने में मुझे लगा कि मुझे समझ में आ गया है कॉलेज क्या होता है। मुझे लगा कि कॉलेज में जितनी चीजें होती हैं उनसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पे एंजॉय कर रहा था। जस्ट टू एक्चुअली कट यू शॉर्ट एंड टेल आवर ऑडियंस कि थियल फेलोशिप जो है, ही इज द ओनली इंडियन रेजिडेंट टू एवर हैव दिस, फर्स्ट इंडियन रेजिडेंट टू हैव हिज नेम ऑन इट। हाउ डिड यू फील, लाइक दैट वाज लाइक समथिंग फेनोमिनल फॉर अ पर्सन? नो, आई थिंक दैट वाज फॉर मी। सो फर्स्ट ऑफ आई नेवर थॉट आई बिकम अ फेलो, बिकॉज़ बिफोर मी ऑलमोस्ट एवरीवन वाज अ नॉन इंडियन रेजिडेंट, राइट, और नॉन एशियन रेजिडेंट इन सम वे, बिकॉज़ देयर वर इंडियंस बट हु वर बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द स्टेट्स एंड सो ऑन। इट वाज वेरी एस्पिरेशनल, हां, बट द एप्लीकेशन प्रोसेस वाज वेरी एक्साइटिंग। उसमें ऐसे क्वेश्चंस होते थे कि आपकी एक कौन सी बहुत डिफरेंट व्यू है जो आपके अराउंड कोई भी नहीं मानता है। अच्छा। वैसे बहुत सारी व्यूज थे। दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आपके पास पैसों की कोई लिमिट नहीं है, आप दुनिया कैसे बदलेंगे? ऐसे क्वेश्चन हमें कोई पूछता ही नहीं था। तो और उसके साथ साथ पीटर थियल ऑफ कोर्स, क्योंकि फेसबुक के सबसे पहले इन्वेस्टर थे, पेपैल के फाउंडर थे, जो कि दुनिया में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया था पेमेंट्स में, तो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल होते थे वो इन टर्म्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैंने अप्लाई किया और एक दिन रैंडमली मुझे कॉल आता है कि आप टॉप 1% एप्लीकेंट हैं और आपको हम US अप्लाई करने वाले हैं, जहाँ पे आप पिच करेंगे इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिस पीपल। ओके। तो मेरे लिए उस समय भी ये क्लियर था कि ये नहीं होने वाला है, पर फ्री US ट्रिप है, तो मैंने सोचा फ्री US ट्रिप कौन मना करेगा इस समय। तो मुझे लगा कि जिंदगी में से पहली बार मुझे और आखिरी बार मुझे US जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो होके आने वाला हूँ। बट उसके बाद में ऑफकोर्स आई थिंक जब वहाँ पे गए और लोगों से बात की और मतलब लोगों को बताया कि हम क्या करना चाहते हैं, तो दे गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। वाज इट द फर्स्ट टाइम यू फ्लाइंग आउट ऑफ इंडिया? फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया, आई लिटरली गॉट द पासपोर्ट 10 डेज बिफोर इट। तो एंड इट्स फनी बिकॉज वो ऑलमोस्ट द सेम टाइम में हुआ, क्योंकि मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ था
क्योंकि एज हो गया था 18 इयर्स एंड सो ऑन एंड यू ऑलवेज फील कि चलो सारे डॉक्यूमेंट्स एक एक करके तैयार करता हूँ. एंड उस समय पासपोर्ट बना था 10 दिन पहले और वीजा वाज अनदर स्टोरी. अच्छा कि यूएस की वीजा मुझे क्या पता था कि वीजा इतनी बड़ी चीज होती है. हाँ. तो मैं बस चला गया एक लेटर लेकर के कि मुझे वीजा दे दीजिए आप. अच्छा. बट आई थिंक ऑफ कोर्स दे वर काइंड. फिर उसके बाद मैं वापस आया, फिर मैंने कॉन्सुलर सर को सारी डॉक्यूमेंट्स भेजे कि क्यों मुझे आप अलाउ कीजिए भेजने के लिए. उन्होंने बहुत जल्दी वीजा इशू किया. तो इट्स जस्ट अनबिलीवेबल हाउ व्हेन समथिंग हैज टू हैपन almost everything around you conspires to make it happen. So, do you believe in that? Yeah. Secret yeah. padhi aapne. You read the secret, hai na? Nahi, I think I've felt it around myself because there is, matlab, aur kya tarika ho sakta hai jisme ki डेढ़ दो साल पहले जब मैंने पहली बार सोचा था ये करने के लिए, there are companies जो मेरे before I was born तब से कोशिश कर रही हैं ये चीज़ करने के लिए. Other than hard work and कमिटमेंट टू बिल्ड दिस, मेरे पास और कुछ था ही नहीं उस समय. फ्रॉम देयर टू ब्रिंगिंग अस टू अ प्लेस जहाँ पे कि आज हम लोग मेहनत कर सकते हैं उस डायरेक्शन में जाने के लिए जहाँ पे हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, इट वुड नॉट हैव हैपेंड इफ दिस वाज नॉट ट्रू. सो टेल मी समथिंग, जब आपने सिम कार्ड भी बेचे हुए हैं, आपने और क्या क्या करा हुआ है? पहले तो आप मुझे एक लिस्ट बता दीजिए कि आपने क्या क्या करा. मैंने बहुत चीज़ें की हैं. कभी मैंने एक साथ कंसोलिडेटेड कभी हर चीज़ के बात नहीं किया. कभी सोचता हूँ कभी बैठ के लिखूंगा उसे एक पेपर में ताकि मुझे खुद को याद रहे. सिम कार्ड बेचा है, FMCG के सामान बेचे हैं, बच्चों को एजुकेशन में कंसल्टिंग करने की कोशिश की है, होटल्स को सॉफ्टवेयर बेचे हैं दूसरों के. ये सब आपने पैसे के लिए किया था कि आपको इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों में? शुरू में तो इट वॉज आउट ऑफ एक्साइटमेंट. इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड प्लेइंग क्रिकेट विद योर फ्रेंड्स, मुझे लगता है इसमें बहुत मजा आता है बिकॉज आप लोगों से मिलते हैं, आप एक एक्चुअल डिस्कशन करते हैं. इतनी सारी जो चीज़ें करी हैं, तो डू थिंक यू वर कंफ्यूज दैट पॉइंट ऑफ टाइम? नहीं, मुझे लगता था कि कंफ्यूज नहीं, इट वॉज ऑल्सो आउट ऑफ ऑप्शन, राइट? कि मतलब आप कुछ महीने के बाद में आपके पास ऑप्शन नहीं होता था कि वो करने का कंटिन्यूसली, और उसके साथ साथ एक्साइटमेंट बिकॉज ऑफ सीइंग डाइवर्स फील्ड्स का बहुत ज़्यादा होता था. दैट वॉज द इनिशियल व्यू. उसके बाद ओवर टाइम अराइवल शुरू करने के बाद में पोस्ट 12th ग्रेड ये क्लियर था कि देखो इतना अमेजिंग इम्पैक्ट होता है जब आप खुद का कुछ क्रिएट करते हैं और इतना बड़ा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं आप अपने अराउंड. और उस समय बड़े का एम्बिशन ये होता था कि 5 पार्टनर या फिर 1 करोड़ का बिजनेस साल का हो जाएगा तो बहुत बड़ी चीज़ कुछ कर लेंगे आप. तो वो एम्बिशन थी, तो उसके कारण हमने अराइवल शुरू किया बिकॉज उसके अराउंड में ये प्रॉब्लम बहुत समय से हम देख रहे थे कि देश में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री है अनब्रांडेड होटल्स सर्विस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा की, और दूसरे साइड में 1000-1500 रुपये में रूम मिलता नहीं था लोगों को. तो हमने सोचा कि मुझे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे, पर कोई ज़्यादा बुकिंग्स आ रही नहीं थी, और जो बुकिंग्स आती थी उनमें रिपीट ज़्यादा आता नहीं था क्योंकि कस्टमर्स बोलते थे एक्सपीरियंस ठीक था पर अगली बार नहीं आएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैंने सोचा कि 2 से 3 महीने ट्रैवल करते हैं, इसमें अगर कुछ समझ में आ गया और पर्सनल पेन पॉइंट तो शायद एक अच्छी कंपनी बना पाऊंगा मैं. नहीं होगा तो कई सारे लोग ट्रैवल तो करते ही हैं, तो ये मेरा 3 महीने का ट्रैवल हो गया. तो दैट वॉज द एम्बिशन शुरुआत. उन 2.5 से 3 महीनों में मैं हर रोज़ एक ईमेल लिखता था नए होटल ओनर को या अपार्टमेंट ओनर को कि सर मुझे एक बार आप फ्री में रहने दीजिए. हमारे देश में आप जानते हैं बहुत कम लोगों ने फ्री में रहने दिया, बट जिन लोगों ने दिया आज तक वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं. उनमें से एक प्रॉपर्टी ओनर के नाम पर हमने कॉन्फ्रेंस रूम डेडिकेट कर रखी है इस ऑफिस में. अच्छा. वो हमारे पहले ओयो के ओनर बने थे. अंडर प्रेशर नहीं आया? अंडर प्रेशर तो उस समय यू हैड नथिंग टू लूज, पैसे भी खत्म हो गए थे आपके. पैसे वही तो बोल रहा हूँ ना, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज आप तो वही कोशिश करते हो उसे पैसे कमाओ. तो ओयो फ्रॉम डे 1 वाज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, जहाँ पे ओनर को जाके बोलते थे सर आपकी प्रॉपर्टी चलाएंगे, मैनेजमेंट के पैसे इतने, चलाने के पैसे इतने. तो एक 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 होटल पर्सन फॉर एग्जांपल, अगर आप, मैं एक होटल ओन करती हूँ, ऐसे आकर कोई एक एक्सपेंजर आके मुझे ऐसे कोई ऑफर करता है, व्हाई विल आई, मैं क्यों अपनी प्रॉपर्टी को आपको दूंगी? बहुत बहुत अच्छी क्वेश्चन. ऐसा कैसे हुआ? अगर आप देखेंगे होटल सेक्टर में जनरली 80-90% होटल्स जो लोग ओन करते हैं उनका कोई और फुल टाइम बिजनेस होता है, या तो फैक्ट्री चलाते हैं या तो उनके कोई और बिजनेस है. तो वो हमेशा ऐसे कोई ट्रस्टेड इंसान को खोजते रहते हैं जो कि उन्हें मदद करेगा इस एसेट से रेवेन्यू बनाने के लिए. और बहुत रिस्पेक्ट है मेरी वो पहले 5 से 10 होटल पार्टनर्स को कि उन लोगों ने बिना ज़्यादा कुछ डिलीजेंस किए, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था इस लड़के पे. हाँ. उनके साथ पार्टनर किया और हमने आज तक उन 5-10 पार्टनर को बहुत क्लोजली अपने साथ में इंक्लाइन करके रखा हुआ. जब आपके पैसे खत्म हो गए थे, हाँ. तो आपने कभी अपनी फैमिली को बोला कि मैं इस
मुसीबत में हूँ, मेरी हेल्प करो। नहीं, क्योंकि बहुत डर लगता था, और डर इस चीज का था कि आप 17-18 साल के हो और आप किसी और शहर में हो बहुत दूर, और मेरी फैमिली वैसे भी थोड़ी यू नो, मैं यंगेस्ट हूँ अपने सारे सिबलिंग्स में, 4 सिबलिंग्स हैं और मैं सबसे छोटा हूँ, तो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं वो। तो बहुत ज्यादा डर ये था कि अगर आप फोन करके बात करोगे तो सबसे पहली चीज ये होगी कि अगली ट्रेन लो और घर आ जाओ वापस। अगर मैं अभी नहीं रिस्क ले सकता तो कब लूंगा? बट वॉज इट योर एंटरप्रेन्योर ईगो? नहीं, मैं कोई मेरे अंदर बिल्कुल भी बहुत कोशिश करता हूँ, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, एंड आई डोंट फील लिटिल, इवन अ लिटिल अनहैप्पी थिंग। अगर मैं मम्मी पापा से पूछूंगा, पापा कहेंगे तूने क्या कर दिया, हमारा नाम खराब कर दिया, कुछ कर रहा नहीं है, कॉलेज तूने ड्रॉप आउट कर दिया। अगर मुझे और पैसे देते तो मैं ले लेता हूँ, मेरे को ऐसा कोई ईगो नहीं। पर मुझे डर बहुत था कि अगर मैं कॉल करके बात करूंगा तो मुझे वो करने नहीं देंगे जो मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि बोलेंगे कॉलेज चले जाओ पहले, कॉलेज के बाद कर लेना। और मुझे लगता था कि मैं कॉलेज में जा करके, देखिए मेरे को फंडामेंटली हमेशा ये लगा है, यू शुड नेवर लेट कॉलेज कम इन बिटवीन योर एजुकेशन। एजुकेशन तो कई भी तरीके के हो सकते हैं ना, और मुझे लगता था कि फोर्स करना एक तरीके का एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है। पर हिंदुस्तान में तो फोर्स ही करके सबको डिग्रीज तो लेनी ही लेनी, आप एजुकेशन के नाम पे डिग्रीज ही हैं जो एक्चुअली में लोगों को कमानी पड़ती है। डू यू सजेस्ट देम टू चक द डिग्रीज एंड एक्चुअली एजुकेशन पे ध्यान दें? मैं, मुझे वही बहुत स्ट्रांगली लगता है, मुझे लगता है कि एजुकेशन की बहुत जरूरत होती है। तो कई सारे लोग, मैं जब बोलता हूँ कि यू नो कॉलेज नहीं जरूरत है, तो लोग उसे इंटरवीन और सोचते हैं कि उसका मतलब ये एजुकेशन का कोई फायदा ही नहीं है, बस आप कॉलेज बंक करो, ये तो बच्चों को बिगाड़ रहा है, ये रितेश अग्रवाल का इंटरव्यू मत देखना, ये बच्चों को बिगाड़ता है। नहीं, मुझे सही में कई सारे पेरेंट्स के ईमेल्स आते हैं कि यू आर अ बैड इंस्पिरेशन फॉर आवर किड्स, क्योंकि आजकल वो मुझे आके तुम्हारे इंटरव्यू दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम कल से कॉलेज नहीं जा रहे। रियली? मुझे सही में आते हैं ऐसे ईमेल। आपने क्या रिप्लाई किया उन्हें? तो मैं ईमेल करता हूँ कि देखिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप उन्हें फोर्स मत कीजिए कि आपको कॉलेज ही जाना है उसके लिए, उसके बहुत तरीके होते हैं। मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से नहीं है कि लोग कॉलेज जाते हैं, मेरे को प्रॉब्लम इस चीज से है कि उसे कोई क्वेश्चन नहीं करता है। आज के दिन में कॉलेज एजुकेशन इज लाइक होली रिवर्स, कि आप रिवर्स को क्वेश्चन कर ही नहीं सकते ना, जो भी होली होता है। एजुकेशन ऑफ कॉलेज डिग्री हैज बिकम लाइक दैट। सो वुड यू आल्सो से द सेम फॉर आईआईटीज एंड आईआईएम्स? आई थिंक अक्रॉस फॉर एवरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन, आई थिंक देयर इज यू नो द वे ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी रिवैम्प्ड सिग्निफिकेंटली। तो आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ही क्यों चूज करी? क्योंकि आई थिंक इट्स वन ऑफ द टफेस्ट इंडस्ट्री टू वर्क इन, एंड कस्टमर्स को आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली आपको उनको प्लीज करना ही पड़ेगा, सो व्हाई हॉस्पिटैलिटी? मुझे लगता है कि ये मेरी मेरा बचपना था, लुकिंग बैक। अच्छा, बिकॉज आप ये देखिए, इन द राइट माइंड, जो भी थोड़ा एनालिटिकली स्मार्ट होगा या फिर जो दुनियादारी थोड़ी बहुत जानता है, उसे आप बोलेंगे आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, बोलेंगे पैसे नहीं बनते इसमें, मेहनत भी बहुत जाती है, और अगर 100 लोग खुश हुए और 5 लोग ना खुश हुए तब आपकी जिंदगी बहुत खराब होने वाली है। तो कौन इस बिजनेस में आया? तो 3 साल पहले जब मैंने इस पर काम शुरू किया था, तब उस समय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री कोई आता ही नहीं था, तो बोलते थे इस इंडस्ट्री में जाना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ मेकिंग अ कंपनी सक्सेसफुल इन टुडे फेज इज थोड़ा बहुत बचपना होना चाहिए। आप अगर बहुत ज्यादा स्मार्ट है ना, आप वही इंडस्ट्री में जाएंगे जहाँ पे सब लोग हैं। आज के दिन में आप अगर देखें, विजय एक बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है कि पेमेंट इंडस्ट्री में हूँ, इन जनरल जब उन्होंने शुरू किया होगा, रिचार्ज को लोग सोचते हो कितनी बेकार इंडस्ट्री है, बट इट टुक समवन लाइक हिम एंड मे बी हिज नाइवनेस टू से कि मैं इसी इंडस्ट्री में जाऊँगा पेमेंट्स के अंदर। ओके, बट इफ गिवन अ चांस, वुड यू वांट टू रीडू योर डिसीजन? आप चाहेंगे कि आप ओयो नहीं करते तो कुछ और करते? 200% आई डू द सेम थिंग अगेन। वो तो आप अभी बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपको अब सक्सेसफुल हो गया। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर मैं उस समय स्मार्ट होता तो नहीं करता मैं। अगर मैं उस समय बहुत दुनियादारी जानता कि कितनी इंडस्ट्रीज होती हैं, कौन सी इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ रेट है। तो आप अभी भी स्मार्ट नहीं हो, यू मीन टू से? आई विल ट्राई, इवन इफ आई एम स्मार्ट, आई विल ट्राई टू कीप दैट अवे व्हेन आई एम मेकिंग दिस डिसीजन। ओके, 1.5 साल तक हमारे यहाँ पे लोग ज्वाइन नहीं करते थे, क्योंकि लोग बोलते थे आपकी तो रियल एस्टेट की बिजनेस। क्योंकि ओयो 1.5 साल तक, और रियल एस्टेट में हिंदुस्तान में किसी को भरोसा नहीं है, स्मार्ट इंसान आके काम ही नहीं करना चाहता है। तो मैं बैंगलोर जाता था और मैं वहाँ पे पूरी स्टोरी बताता था, इंक्लूडिंग हर प्रोसेस, लोगों की वीडियोस एक्सेट्रा, जिससे कि लोगों को पता चले कि हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी है, क्योंकि इंजीनियर्स आते ही नहीं थे हमारे पास।
तो मैं जाके ये सब पिच करता था और उस दिन रात को दो इंजीनियर्स को फ्लाइट में अपने साथ लेके आता था। नोटिस पीरियड ये सब बाद में देख लेंगे, तुम चलो मेरे साथ दिल्ली। साथ ही ले और वो है मेरे साथ ज्वाइन कराने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए, नहीं तो ज्वाइन नहीं करेंगे। अपने दोस्तों से पूछते थे कि ये रियल एस्टेट एक कंपनी है, तो रियल एस्टेट कंपनी कहा जाएगा, देख कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी कंपनी में हम बैंगलोर, तो उन्होंने साथ ही लेके आता था। अच्छा, और आज वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हालांकि कंपनी में, पर उस समय उनके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क था। जब इन्वेस्टमेंट शुरू हुई SoftBank ने आपको 100 मिलियन डॉलर्स पंपिंग करे, और मैंने सुना है कि आप नंबर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, यू रिमेंबर योर फोन नंबर्स बाय हार्ट आल्सो, वो नेसेसिटी है। सो यू मस्ट बी वेरी कूल विद 100 मिलियन डॉलर्स, तो मुझे पता है कितने हैं। हां, हाउ वाज दैट फीलिंग इन्वेस्टमेंट कैसे? नहीं, मुझे लगता है कि दो तीन चीजें थी उसमें हमारे लिए स्पेसिफिकली एज अ कंपनी, उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा पार्टनर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर आप मेरे लिए पर्सनली निकेश और सॉन्सान के साथ काम करने का मौका, दोनों ही अपने सेक्टर्स से सिग्निफिकेंटली सक्सेसफुल है और सारी दुनिया, आई डोंट नो इफ यू नो, सॉन्सान कुछ दिनों के लिए दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन रह चुके हैं। ओके, और उसके बाद ही लॉस्ट ऑल हिज फॉर्च्यून एंड रिक्रिएटेड, दैट इज लाइक, ये सारी एंटरप्रेन्योरियल स्टोरीज हैं जिनको देख के हम लोग इंस्पायर होते थे। तो उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा, वो मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, और दैट वाज वन जो कि बहुत ही बिग डील था मेरे लिए। आई थिंक उसके साथ इन्वेस्टमेंट तो ऑलमोस्ट एक कोरिलेशन होता है कि आपकी कंपनी कितना अच्छा कर रही है। उस समय हम लोग की ग्रोथ, और यू नो इट कंटिन्यूज ऑफ कोर्स, वाज अमंग द हाईएस्ट इन द कंट्री। हम लोग जिस स्केल पे देख रहे थे कि जिस तरीके की प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर रहे थे व्हेन SoftBank वाज कमिंग इन, उस समय हमें हर कंपनी इंडिया और ग्लोबल एम्यूलेट कर रहे थे, और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है वो। तो जो मल्टीपल एडवांटेजेस थे इस मॉडल के, क्लियर मार्केट लीडर्स, कैटेगरी क्रिएटर्स, मेड इट अ वेरी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट चॉइस फॉर पीपल। तो वो तो फिर डॉलर अमाउंट कैन चेंज, राइट, बट वो पार्टनरशिप हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल। आप एक्सपैंड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सिंस यू जस्ट मेंशन कि बाहर आपको एम्यूलेट कर रहे हैं लोग आपके बिजनेस मॉडल को, सो आप डोंट यू थिंक दैट यू शुड, आई मीन, ओवर पावर दो स्मॉल प्लेयर्स इन वेरियस कंट्रीज एंड एक्सपैंड इंटरनेशनली? सो आई थिंक दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि हमारा इंडिया बिजनेस भी बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू जो करना है, हालांकि हम मार्केट लीडर्स हैं, बट मार्केट लीडर होने के बाद उसका मतलब ये नहीं है कि आपने वो लेवल का इम्पैक्ट क्रिएट किया जो आपको करना है। हमें लगता है सिर्फ 1% है इंडिया में जो हमें करना है उसके कंपैरिजन में। तो इस साल हम इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फोकस हैं, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज होती हैं जिन लोगों के 30-40 लोगों का ट्रैवल बेस होता है, तो अभी हम लोगों ने उनके लिए स्पेसिफिकली एक प्रोडक्ट अनाउंस कर रहे हैं जो है ओयो फॉर बिजनेस, जो कि जैसे ओला पर कॉर्पोरेट है एंड उबर पर बिजनेस है, उसी की तरह का प्रोडक्ट है। बट ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा SME को देख के बनाया गया रादर देन लार्ज कॉर्पोरेशन, जिसका मतलब अगर एक SME है तो वहाँ पे मालिक होते हैं जो ट्रैवल करते हैं, और उनके 3-4 ट्रैवलिंग सेल्समैन होते हैं, तो आप उसके अंदर में आप शेड्यूल कर सकते हैं कि मेरे जो 4 ट्रैवलिंग सेल्समैन है उनकी कैटेगरी ये है, और वो सिर्फ ओयो रूम्स में रह सकते हैं, जबकि मैं ओनर हूँ तो मैं जब ट्रैवल करूंगा मैं ओयो प्रीमियम में रहना चाहूँगा, और आपको सिर्फ वही प्रॉपर्टीज प्रेडोमिनेंटली दिखाई जाएगी। तो हम लोग इस प्रोसेस में कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस को अपमार्क करें, और उसमें बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है,